हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन टू जनरल फार्माकोलॉजी. बट फर्स्ट वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो वी हैव गॉन थ्रू द टर्म्स फादर ऑफ फार्माकोलॉजी हु इज ऑस्वाल्ड श्मीडेबर्ग. ओके, द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर इज फार्माकोलॉजी. And what is pharmacology? It is the branch of science that deals with the study of effects of drug on living system. Okay, and it is given by Greek. And what does it means? Pharmakon matlab drug and logy matlab study. Okay, then next we will move on to the topic clinical pharmacology. Clinical pharmacology is systemic study of effect of drug on both healthy individuals and in patients. Okay, the next topic that we have encountered in our previous lecture is pharmacy. Okay, so what is pharmacy? It is the branch of science that deals with preparation, preservation, compounding, standardization, dispensing and proper utilization of the drug. ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रिपरेशन प्रिजर्वेशन कंपाउंडिंग स्टैंडर्डाइजेशन डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली इज ड्रग. ड्रग मीन्स, ड्रग इज अ फ्रेंच वर्ड. ओके, एंड इट मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल स्टेट एंड पैथोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द body for the benefit of the recipient. In this, the term explore, in the meaning of drug, the term explore is included because it is used in diagnostic purposes. What were the diagnostic purposes for it has been used are, for example, let's take an example of barium sulfate. Okay, explore the normal physiological state. So we have taken the example of barium sulfate. It is used in the diagnosis of, it is used to check the obstruction in the gut. So we use barium sulfate in order to check the obstruction, in order to check whether there is any obstruction or not. So this example is used to explain the term explore that is used in the definition of drug. Okay, so the next term that we have encountered is prescription drug. So prescribed drug were those drugs which we can get only after the prescription of registered medical practitioner. Okay, and non-prescribed drug or over the counter drug, OTCs. ठीक है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के हमको मिल जाती हैं. इसका एग्जाम्पल कौन सा था? पेन किलर्स, फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामॉल एंड एंटासिड्स, PCM एंड एंटासिड्स. ठीक है, तो ये कौन सी थी? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. फिर हमने एक और टॉपिक जो पढ़ा था वो था ऑर्फेन ड्रग. ऑर्फेन ड्रग्स वर दोज सब्सटेंसेस और बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स, दोज वर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द रेयर डिजीजेस. इनको ऑर्फेन क्यों कहा गया? बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टैक्स बेनिफिट टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन ऑर्डर टू produce the drug or marketize the drug so that they will get the sufficient amount which they were जो कि मतलब वो उसमें
प्रोवाइड कर रहे हैं उस ड्रग को पर्टिकुलरली बनाने में, तो उनको वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो वापस नहीं मिल पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्फेन ड्रग। इसके बाद जो हमने एक चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था रिस्क बेनिफिट रेशियो, जो कि पूरा स्ट्रेप्टोकाइनेस के एग्जांपल के साथ हमने इसको एनकाउंटर किया था। और नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी थी फिर वो क्या पढ़ा था, टू मेन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। ओके, एंड फिर हमने पर्टिकुलर जो ड्रग वर्ड है उससे फिर जो दो चीजें उठाई थी ड्रग से, हमने क्या पता किया था, एक तो सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स। तो इसमें दो एग्जांपल क्या थे अपने, एक तो फार्माकोपिया एंड द नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्यूलरी, एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड इज सोर्सेस ऑफ ड्रग, सोर्सेस ऑफ ड्रग, जिसमें कि हमने तीन सोर्सेस देखे थे, जो कि एक तो नेचुरल, फिर सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल में भी हमने जो देखे थे चार टाइप्स के देखे थे, प्लांट सोर्सेस, एनिमल सोर्सेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेस एंड मिनरल सोर्सेस। ओके, और जो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स थी उसमें क्या होता है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में, कि वो ऑब्टेंड तो नेचुरली हुई हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया है, इसीलिए उनको सेमी सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। और आज के टाइम पे जितनी भी मोस्ट कॉमनली आज के टाइम पे जितनी भी ड्रग मिलती हैं वो सारी कैसी रहती हैं, सिंथेटिक ड्रग्स रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और एग्जांपल देखा था रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। ठीक है, फिर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग इसी ड्रग के टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जो कि एक टॉपिक है नॉमनक्लेचर ऑफ ड्रग, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आज ये अपन जो दो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नॉमनक्लेचर ऑफ ड्रग। क्या है, नॉमनक्लेचर ऑफ ड्रग। ठीक है, किसी भी ड्रग का जो नाम होता है वो तीन टाइप के नेम होते हैं। ठीक है, सो एवरी ड्रग हैव थ्री टाइप्स ऑफ नेम। Every drug have three types of names and these are, इसको columns में divide कर लेते हैं सबसे पहले ताकि थोड़ा ease रहे। इसमें जो मैं सेंटर से चलूंगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर और इधर डिस्कस करेंगे ताकि वो थोड़ा इजी रहे, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है पर्टिकुलरली इस ड्रग के मतलब इनका जो नाम है वो थोड़ा बहुत सुना हुआ है आपके लिए। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ नेम इज नॉन प्रोप्रिएटरी नेम। व्हाट, नॉन नॉन प्रोप्री नॉन प्रोप्रिएटरी नेम, दिस वन इज केमिकल नेम एंड द लास्ट वन इज प्रोप्रिएटरी नेम। ओके, सो नॉन प्रोप्रिएटरी नेम की बात हमने पहले करनी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जी
जेनेरिक नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम. प्रोप्रिएटरी नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम. ठीक है, तो प्रोप्रिएटरी नेम इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम. एंड केमिकल नेम, इट इज केमिकल, इट इज जनरली द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्रग, इट इज जनरली द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्रग. ओके, सो फर्स्ट गोइंग टू दिस, ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम, ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम, इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ड्रग मेनली जनरली. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज गिवन बाय, जेनेरिक नेम इज गिवन बाय USAN, इट इज गिवन बाय USAN, मीनिंग यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम. ओके, एंड द ब्रांड नेम इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मैन्युफैक्चरर्स इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स. ओके, सो अब एक जो चीज आती है इसमें वो ये आती है कि जो नॉन प्रोप्रिएटरी नेम है, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इट इज जनरली यूज्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इट इज नॉट केमिकल नेम, इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन. ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू शो करूंगा. ठीक है, सो एवरी ड्रग हैव थ्री टाइप ऑफ नेम, दैट इज केमिकल नेम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम एंड प्रोप्रिएटरी नेम. केमिकल नेम मेनली इट जनरली मीन्स केमिकल फॉर्मूला ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग. ओके, इट इज नॉट यूज फॉर प्रिस्क्रिप्शन. नॉन प्रोप्रिएटरी नेम इज ऑल्सो नोन एज द जेनेरिक नेम. ओके, इट मीन्स जेनेरिक नेम गिवन बाय यूसान, USAN, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम. ओके, इट इज यूज फॉर प्रिस्क्रिप्शन. प्रोप्रिएटरी नेम ऑल्सो नोन एज ब्रांड नेम, इट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर्स. अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं. ओके, तो मैंने जैसा कहा था पहले कि हम लोग सेंटर में से चालू करेंगे. सो नॉन प्रोप्रिएटरी ड्रग का अगर नाम देखा जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, एस्पिरिन. और कौन सा एग्जांपल है इसका, पैरा सिटा मॉल, एस्पिरिन एंड पैरासिटा मॉल. केमिकल फॉर्मूला फॉर एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. केमिकल फॉर्मूला फॉर, केमिकल नेम फॉर एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. एंड केमिकल नेम फॉर पैरासिटामोल इज एन एसिटाइल पैरा अमाइनो फिनॉल, एन एसिटाइल पैरामाइनो फिनॉल. ओके, सो अब जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि इतना बड़ा नाम है वो जो केमिकल नेम है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एंड दिस नॉन प्रोप्रिएटरी नेम इज टू शॉर्ट, सो इट इज प्रेफर्ड फॉर द
prescriptions. Okay, so the next one is the non-proprietary name or brand name. So aspirin have many brand names. Okay, just taking an examples of few. ठीक है, तो इसकी बात करें अगर, सो प्रोप्रिएटरी नेम फॉर एस्पिरिन इज, और ब्रांड नेम फॉर एस्पिरिन इज इकोस्पिरिन. व्हाट? इकोस्पिरिन. ओके, एंड डिस्पिरिन. एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स पैरासिटामोल, इट हैव एग्जांपल्स ऑफ द नेम टाइलेनॉल, मेटासिन एंड क्रोसिन. ओके, सो एवरी ड्रग हैव थ्री टाइप ऑफ नेम्स, दैट इज केमिकल नेम, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम एंड प्रोप्रिएटरी नेम. दिस नेम इज ऑल्सो नोन एज जेनेरिक नेम. इट इज गिवन बाय यूसान, यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड नेम, एंड इट इज मेनली यूज फॉर प्रेस्क्रिप्शंस. ओके, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि एस्पिरिन छोटा नाम है लिखने में, उसके कंपेरिजन में दैट इज केमिकल नेम, दैट इज द इन जनरल इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. ओके, एंड द प्रोप्रिएटरी नेम, वी हैव डिफरेंट प्रोप्रिएटरी नेम फॉर द जेनेरिक ड्रग, जेनेरिक नेम ऑफ द ड्रग, दैट इज इकोस्पिरिन, डिस्पिरिन, टाइलेनॉल फॉर पैरासिटामोल, मेटासिन फॉर पैरासिटामोल एंड क्रोसिन फॉर पैरासिटामोल. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Roots of drug administration. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों जरूरत है roots of drug ad, मतलब इतने roots की क्यों जरूरत है, कितने सारे roots होते हैं तो अपन आगे देखेंगे, लेकिन क्यों जरूरत है roots की. तो फॉर एन एग्जाम्पल कि इफ यू आर गोइंग टू एनकाउंटर विद एन अनकॉन्शियस पेशेंट इन ICU, ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो दवा ले पाए या टैबलेट ले पाए, आप उसको बोलेंगे कि टैबलेट ले लो, वो देखने लगेगा आपकी तरफ, ये क्या बोल रहा है, मैं से मेरी कंडीशन नहीं है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं टैबलेट कैसे लूंगा, कैप्सूल कैसे लूंगा. सो सिमिलरली उस टाइम हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड, इंजेक्शनल रूट हम लोग यूज करेंगे. क्यों इंजेक्शनल रूट करेंगे, क्योंकि पेशेंट उस कंडीशन में नहीं है कि वो टैबलेट या कैप्सूल को ले पाए या एडमिनिस्टर कर पाए खुद को, ठीक है. लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब इंजेक्शनल रूट भी कहीं कहीं फेल करता है कि उसके भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इफ वी वांट टू यूज द ड्रग फॉर लॉन्ग टर्म यूज और एट होम, देन वी कांट, मतलब हम लोग ये प्रेफर नहीं करेंगे कि रोज रोज कोई हमारे घर पे नर्स आए पर्टिकुलरली और हमको एडमिनिस्टर करे. दूसरी बात, जो इंजेक्शनल रूट रहता है, अगर हम लोग उसको रोज एडमिनिस्टर करेंगे तो इंजेक्शनल रूट के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि जिस प्लेस पे निडल इंसर्ट होती है वहां पे लोकल टिश्यू नेक्रोसिस और समटाइम्स देयर इज इंजरी टू द नर्व व्हेन इट इज नॉट प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड. ओके, सो हेंस देयर इज द नीड फॉर डिफरेंट रूट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, एंड दीज रूट्स डिपेंडिंग ऑन द मेनली ऑन द पेशेंट एंड ड्रग रिलेटेड factors, patient and drug related factors. The first factor is characteristic of the drug. Characteristic of drug. Okay, the next factor, patient's condition. Condition of the patient, whether he is conscious or not. Okay. Then next is age of the patient.
If he is a infant, then we will use the lower dose of the medicine. And if he is in the middle of the age, middle decades, then we will use another dose or another level of the medicine, another concentration. Okay, so characteristic of drug, patient condition, age of the patient. Then next is patients and doctor's choice. Sometimes this is not the most crucial characteristic for determining the route, but patients or doctor choice sometimes matter. अगर कोई कहेगा कि नहीं मेरे को दवा मतलब इंजेक्शन नहीं चाहिए, आप मुझे ओरल मेडिसिन दे दीजिए, तो फिर उसके लिए फिर ये रूट भी मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये भी एक फैक्टर हो जाएगा. ये समटाइम्स, इतना कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ये, ठीक है. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग, पेशेंट कंडीशन, एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट एंड डॉक्टर्स चॉइस. देन एसोसिएटेड डिजीज. एसोसिएटेड डिजीज में ये होता है कि इफ यू वॉन्ट टू एडमिनिस्टर IM इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर रूट, इफ यू वॉन्ट टू प्रिफर इंट्रामस्कुलर रूट एंड पेशेंट इज हैविंग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, देन यू कांट यूज द इंट्रामस्कुलर रूट एंड यू हैव टू गो फॉर सम अनदर रूट. ओके, सो एसोसिएटेड डिजीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, पेशेंट कंडीशन, एज ऑफ द पेशेंट एंड द लास्ट फैक्टर इज इमरजेंसी और रूटीन यूज. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर इमरजेंसी रहेगी तो वी विल गो फॉर इंजेक्शनल रूट और IV रूट, बिकॉज जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो हमको फास्ट चाहिए, ठीक है. और रूटीन यूज में ओरल मेडिकेशन, कैप्सूल, सायरप्स कैन बी यूज. ओके, सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट एंड ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड दीज फैक्टर्स वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, पेशेंट कंडीशन, एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट एंड डॉक्टर्स चॉइस, एसोसिएटेड डिजीजेस एंड इमरजेंसी और रूटीन यूज. ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट वर द डिफरेंट रूट्स. ओके, सो वी विल डिवाइड इट इनटू टू. फर्स्टली लोकल रूट एंड सेकेंडली सिस्टमिक रूट. लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक निमोनिक्स याद रखें, दैट इज TID. ओके, टी स्टैंड्स फॉर टॉपिकल, टी स्टैंड्स फॉर टॉपिकल, आई स्टैंड्स फॉर इंट्रा आर्टेरियल एंड डी स्टैंड्स फॉर डीप टिश्यू, ठीक है. सो दीज आर द लोकल रूट एंड नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सिस्टमिक रूट, वी विल फर्दर डिवाइड इट इनटू टू, दैट इज एंटरल एंड पारेंटरल और पार एंटरल. ओके, सो एंटरल रूट और पेरेंटरल रूट. सो लोकल रूट, इन लोकल रूट वी हैव अ निमोनिक TID, दैट इज टॉपिकल, इंटरा आर्टेरियल एंड डीप टिश्यू. इन दिस सिस्टमिक रूट वी हैव एंटरल और पार एंटरल. व्हाट डू यू मीन बाय एंटरल? ओके, सो एंटरल मीन्स दैट ड्रग इज मूविंग एंड इट इज गोइंग टू पास थ्रू intestine. So enteral means intestine. It will move along with the intestine. And parenteral matlab without moving or without going to intestine. Okay, so enteral route, in enteral route we further have a mnemonic, that is ORS. O, R and S. O stands for oral,
R stands for rectal and S stands for sublingual. Okay, and in parenteral root, we will have further two divisions. These are in parenteral root we have two divisions, that is non-injectable and injectable. In non-injectable we have transdermal and inhalational, and in injectable we have IV, IM, intravenous, intramuscular, intrathecal, subcutaneous. Okay, so these are the different routes of drug administration, which can be divided into local and systemic route. And for local route, we have a mnemonic TID, that is topical, intra-arterial and deep tissue. And systemic route, we have enteral, that is the drug will move by, drug will pass by going towards intestine, that is oral route, rectal route and sublingual route. और parenteral का मतलब क्या होता है? Without moving towards the intestine, that is non-injectable, transdermal, inhalational and injectable we have IV, IM, IT, intrathecal, subcutaneous. Okay, so moving on towards the local route. In local route we have T, I and D. T stands for topical. तो इसके लिए एक मैंने बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया ताकि इसके जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आपको रिमेंबर रह पाए. ठीक है, सो इन टॉपिकल रूट, दैट इज Administration of drug. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को इनकाउंटर करते हैं. Administration of drug on skin and mucous membrane. Skin and mucous membrane. किसके लिए? For local effect. Okay, for local effect. Local effect से मतलब है localized effect. Localized effect मतलब एक particular place पे, वो आगे आपको पता चल जाएगा. So topical administration of drug on skin or mucous membrane for local effect. Okay. So, अब जैसा मैंने बोला था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं यहां बना देता हूं आप लोगों के लिए. और इसको आप लोग जो बहुत सारे डिजीजेज रहती हैं, जैसे कि पर्टिकुलर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, या आप कोई भी ऐसी चीज पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं या बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे. देखिए, इसे समझाने के लिए सो डायग्राम विल नॉट बी सो प्रॉपर. ओके, सपोज अ मैन, ये आंखें उसकी, दिस इज नोज, ईयर. ओके, सो इन टॉपिकल रूट हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, अब इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिकल रूट होता है वो ईयर
सॉरी आई, ईयर एंड नोज, ईयर आई एंड नोज, ईयर आई एंड नोज. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका पढ़ेंगे हम लोग? दिस वन इज फर्स्ट. नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंड वन इज ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी. थर्ड एग्जाम्पल इसको ट्रैकिया, सपोज इट इज अ ट्रैकिया, इट विल डिवाइड इनटू ब्रोंकाई. ओके एंड इसके पीछे से ये आया ईसोफेगस और ये आया स्टमक हमारा. रफ डायग्राम है ताकि थोड़ा समझ में आए आप लोगों को. ठीक है थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ, इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ. थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ ब्रोंकाई. ओके थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ ब्रोंकाई. फोर्थ एग्जाम्पल इज ऑफ जी आई टी. फिफ्थ एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल एंड सेवन्थ. सपोज वी आर टेकिंग फिफ्थ इज, फिफ्थ एज यूरेथ्रा, फिर नीचे से यही सिक्स्थ वन इज वजाइना, सेवन्थ वन इज एनल कैनल एंड रेक्टम एंड द लास्ट वन इज, लास्ट एंड एट वन इज ऑफ द स्किन. ओके सो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ताकि इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आठ एग्जाम्पल हैं, इनको याद करने के लिए, इनको मेमोराइज करने के लिए. ठीक है तो सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट किया नीचे तक. ओके सो सबसे पहले बात करेंगे ईयर आई एंड नोज के. इसका भी एक निमोनिक है डी ओ एस ऑफ ईयर आई एंड नोज. डी फॉर ड्रॉप, ओ फॉर ऑइंटमेंट एंड एस फॉर स्प्रे. ठीक है तो क्या हो गया ये ड्रॉप ऑइंटमेंट और स्प्रे. सो क्या हो गया ड्रॉप ऑइंटमेंट और स्प्रे. ठीक है और इसका एग्जाम्पल क्या है जेंटामाइसिन. जेंटा माइसिन कैन बी यूज इन एलर्जी कंडीशन ऑफ ईयर एंड आई, ईयर एंड आई. जेंटामाइसिन कैन बी यूज फॉर एलर्जिक कंडीशंस, एलर्जिक कंडीशंस ऑफ ईयर एंड, एलर्जिक कंडीशंस ऑफ ईयर एंड आई. ओके सो सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपन देखेंगे वो ओरल कैविटी का देखेंगे. सो इसको भी थोड़ा आसान बनाने के लिए इसके चार एग्जाम्पल्स हैं. जैसे दीज आर सस्पेंशन, सस्पेंशन स्प्रे, सस्पेंशन स्प्रे, क्रीम, जेली एंड ऑइंटमेंट. ठीक है क्या क्या है सस्पेंशन स्प्रे क्रीम जेली एंड ऑइंटमेंट. थोड़ा याद करने में आसान रहेगा ऐसे. ठीक है सस्पेंशन की बात करते हैं सबसे पहले. तो सस्पेंशन के भी फर्दर दो एग्जांपल्स हैं कि सस्पेंशन में हम लोग एज अ सस्पेंशन वी कैन यूज निस्टैटिन. व्हाट निस्टैटिन, एज अ सस्पेंशन वी कैन यूज निस्टैटिन एज अ, एज अ ट्रॉके, एज अ ट्रॉके. अब ट्रॉके का मतलब क्या है? सो ट्रॉके का मतलब ये होता है कि एनी मेडिकेशन, एनी मेडिकेटेड ड्रग दैट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द चीक एंड द गम्स और फिर वो वहां क्या होता है डिजॉल्व हो जाता है बाय प्रोड्यूसिंग द
लोकल इफेक्ट. सो सस्पेंशन का सबसे पहला एग्जांपल क्या है? निस्टैटिन, विच कैन बी यूज्ड एज अ ट्रॉके. द सेकंड एग्जांपल इज क्लोट्रिमाजोल. क्लोट्रिमाजोल विच कैन बी यूज्ड इन ओसी. ओके, वी आर डिस्कसिंग ओरल रूट. We are discussing oral route or oral cavity. So example is OC, that is oral candidiasis. Oral candidiasis. Okay. The next example is of the spray and jelly and ointment. इसको हम लोग एक साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों में लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड यूज होगा. क्या होगा? लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड यूज होगा. लेकिन इसमें क्या होगा? स्प्रे में 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड यूज होगा फॉर टॉपिकल एनेस्थेजिया. फॉर टॉपिकल एनेस्थेजिया. एंड ऑइंटमेंट में 5% ऑफ लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड कैन बी यूज्ड एज अ टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द लोकल इफेक्ट ऑफ ओरल कैविटी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्रीम. इन क्रीम वी हैव acyclovir फॉर हर्पीस लेबियालिस. लेबियालिस मतलब लिप्स के पास. ठीक है, अगर हर्पीस हो जाए तो उसमें हम लोग acyclovir यूज करेंगे. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओरल कैविटी. दीज आर सस्पेंशन, स्प्रे, क्रीम, जेली एंड ऑइंटमेंट. इन सस्पेंशन वी कैन यूज निस्टैटिन एज अ ट्रॉके. ट्रॉके मतलब क्या होता है? ऐसी ड्रग जो कि चीक और गम्स के बीच में रखते हैं और फिर वो क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है. फिर क्लोट्रिमाजोल दैट कैन बी यूज फॉर ओरल कैंडिडियासिस. स्प्रे दैट इज 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड कैन बी यूज एज एन टॉपिकल एनेस्थेजिया. देन द असाइक्लोविर कैन बी यूज फॉर हर्पीस लेबियालिस. ओके, एंड देन ऑइंटमेंट विच कैन बी यूज ऑइंटमेंट एंड जेली. ठीक है, जिसमें कि क्या यूज हो रहा है? 5% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड कैन बी यूज एज एंड टॉपिकल एनेस्थेटिक. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द ब्रोंकाई. ओके, सो इन ब्रोंकाई वी हैव ड्रग्स. Those can be inhaled or by inhalation. Okay, so these are inhalation but producing local effect. Okay, so these are salbutamol and ipratropium bromide. IBR, that is ipratropium bromide, and they can be used in bronchial asthma and COPD. These can be used in bronchial asthma and COPD. Okay, so ये हो गया bronchi का example, जिससे कि local administration कर सकते हैं इन drugs का. The next example is of the GIT. In GIT, we will use that drug which cannot be absorbed by the gastric juice. Okay, or not can be, which cannot be absorbed by the stomach. ठीक है, तो इसमें जो, so इसमें जो हम लोग example लेंगे वो क्या रहेगा? As tablet. ठीक है, और क्या बोला था मैंने? Not absorbed by GIT. Not absorbed by GIT. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? नियोमाइसिन. सो अब ये बात है कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. सो इट कैन बी यूज, इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ द गट. स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट. इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है,
वो है यूरेथ्रा। सो यूरेथ्रा की बात करें अगर तो यूरेथ्रा में क्या होता है कि जेली की तरह यूज करते हैं अपन, वी विल यूज जेली। जेली में हम लोग क्या यूज करेंगे, लिग्नोकेन। व्हाट वी विल यूज, लिग्नोकेन। सो लिग्नोकेन विल प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट एंड जेली लिग्नोकेन विल यूज लोकल इफेक्ट फॉर यूरेथ्रा। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वजाइना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वजाइना, इसको भी मैंने एक निमोनिक बनाया है, पी सी टी, पी सी टी, दैट इज पेसरी क्रीम एंड टैबलेट, एंड दीज कैन बी यूज इन वजाइनल वी सी, दैट इज वी फॉर वजाइना। एंड सेम एग्जाम्पल हमने ओरल कैविटी में देखा था, ओ सी, सो वी सी, वजाइनल कैंडिडियासिस, वजाइनल कैंडिडियासिस। ओके, अब जो एनल कैनाल और रेक्टम है इसको थोड़ा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग स्किन पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्किन को पहले देख लेते हैं। सो स्किन की अगर बात करें तो स्किन क्या है, स्किन अपनी आउटर लेयर है जो कि सेपरेट करती है अपने इनर एनवायरनमेंट को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, सेम एज लाइक एलओसी विच सेपरेट आवर कंट्री फ्रॉम अदर नेबरिंग कंट्रीज। सो इसका एग्जाम्पल भी ऐसे याद रखेंगे अपन, एल ओ सी पे, एल फॉर, एल स्टैंड फॉर एल ओ सी पे, वेयर द एल स्टैंड फॉर लोशन, ओ स्टैंड फॉर ऑइंटमेंट, ओके, एंड देन पी स्टैंड फॉर, सॉरी सी स्टैंड फॉर क्रीम एंड पी स्टैंड फॉर पाउडर। ओके, सो क्या क्या हो गया, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम एंड पाउडर, और इसका भी एग्जाम्पल क्या है, इसका भी एग्जाम्पल है क्लोट्रिमाजोल कैन बी यूज्ड फॉर स्किन, है स्किन को और क्या कहते हैं, क्यूटेनियस। सो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। ओके, सो स्किन में क्या हो गया, एलओसी पे ऑफ स्किन, सो लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, क्लोट्रिमाजोल एग्जाम्पल हो गया, और सी फॉर क्यूटेनियस, और सी फॉर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। ओके, सो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद मैंने बोला था कि एनल कैनाल और रेक्टम को सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी तक तो ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सो अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, जो कि है रेक्टम एंड एनल कैनल, ठीक है, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, एनमा, एज एन एनमा, द सेकेंड वन इज ऑफ सपोसिटरी, व्हाट, सपोसिटरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो एनमा, एनमा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इन रेक्टम, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इन रेक्टम। अब इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बता रहा हूं कि लिक्विड किस में आ रहा है और सॉलिड किस में आ रहा है, एज फॉर सस्पेंशन, एज फॉर सॉलिड, सो इसमें क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड इन रेक्टम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड इन
रेक्टम. ओके, सो एनिमा की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इन रेक्टम. अब ये किन चीजों के लिए यूज होता है? दो चीजों के लिए, फर्दर दो चीजों के लिए यूज होता है. ठीक है, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक सबसे पहली बात क्या कहते हैं, इवैक्यूएंट, इवैक्यूएंट एनिमा. इवैक्यूएंट एनिमा किस लिए दिया जाता है? इट इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल बिफोर एनी ऑपरेटिव प्रोसीजर. ओके, और बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेशिया, बिकॉज इफ देयर इज सर्टेन फ्लूइड और इफ देयर इज सर्टेन फ्लूइड देन इट विल अल्टर द डोज ऑफ एनेस्थेशिया. ओके, सो इवैक्यूएंट एनिमा कैन बी यूज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल. और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं सोप प्लस वॉटर, सोप प्लस वॉटर इन विच सोप इज यूज टू ल्यूब्रिकेट, सोप इज यूज टू ल्यूब्रिकेट एंड वॉटर इज यूज टू स्ट्यूमुलेट. वॉटर इज यूज टू स्ट्यूमुलेट वॉट? स्ट्यूमुलेट रेक्टम. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन इज फर्स्ट वन इज इवैक्यूएंट एनिमा, द सेकेंड वन इज रिटेंशन एनिमा, रिटेंशन एनिमा. इसका एग्जाम्पल क्या है? मिथाइल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द सपोसिटरी इन विच वी एडमिनिस्टर, सपोसिटरी इन विच वी एडमिनिस्टर वॉट? वी एडमिनिस्टर सॉलिड इन द रेक्टम. उससे पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. सो मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज यूज फॉर लोकल इफेक्ट इन रिटेंशन, एज अ रिटेंशन एनिमा इन अल्सरेटिव कोलाइटिस. वॉट? अल्सरेटिव कोलाइटिस. ठीक है, और यहां बात करें सपोसिटरी की. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सॉलिड का एडमिनिस्ट्रेशन. तो सपोसिटरी से ही याद रखना है, बी ए सपोसिटरी, बी ए सपोसिटरी. इसके एग्जांपल को याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, बी ए सपोसिटरी, वेयर बी ए स्टैंड्स फॉर बिस एकोडाइल सपोसिटरी, बिस एकोडाइल सपोसिटरी. ठीक है, तो ये हो गया रेक्टम और एनल कैनल का. इसके बाद आगे दो टॉपिक और कवर करेंगे इस लेक्चर में पर्टिकुलर. जो कि नेक्स्ट है इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टेरियल. सो इंट्रा आर्टेरियल रूट इज यूज्ड रेयरली, इंट्रा आर्टेरियल रूट इज यूज्ड रेयरली एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर द मेनली used for diagnostic purposes, mainly used for diagnostic purposes. Example that is used in coronary angiography, coronary angiography. Okay. And the last one is deep tissue. Okay, so deep tissue की बात करें तो administration of ADM, that is administration. ठीक है, तो administration of drug in deep, administration of drug in deep tissue. Example क्या है इसका? Triamcinolone. Okay, याद करने का trick, triamcinolone, which is administered ADM administered into the joint space, administered into the joint
स्पेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन टू द डीप टिश्यू, इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्राइएम्सिनोलोन, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड इन टू द ज्वाइंट स्पेस। तो ये अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी तक लोकल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आगे वाले आने वाले लेक्चर में हम लोग सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें कि एंट्रल आ जाएगा। एंट्रल मतलब क्या, इंटेस्टाइन से होते हुए, और पार एंट्रल, पार एंट्रल मतलब विदाउट मूविंग टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। थैंक यू।